السلام عليكم دير فيفا دي سمينا سير خان خيل هاو تو انزرت اوتوماتيك سيريال نمبر ان مايكروسوفت وورد تيبل. مايكروسوفت وورد में टेबल के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर हम किस तरह लगा सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास एक टेबल मौजूद है और अगर यहाँ पर हम ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लगाना चाहते हैं तो इस तरह इस रेंज को सेलेक्ट करें, कॉलम को सेलेक्ट करें. सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर यहाँ पर नंबरिंग की ऑप्शन मौजूद है, नंबरिंग पर क्लिक करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लग गया. अब ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा. यहाँ पर अगर इसके बाद हम एक नई एंट्री करते हैं तो यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ माउस, इसका प्रेस लिख देता हूँ, इसके बाद टैप प्रेस कर दिया तो टैप प्रेस करने से ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सीरियल नंबर भी अपडेट हो जाएगा. और अगर इसके दरमियान आप एक न्यू रो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर बिल्कुल अपडेट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है. तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लगा सकते हैं. और अगर आप सीरियल नंबर का फॉर्मेट तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से नंबरिंग के अंदर ऑप्शन मौजूद है. अगर आप इस तरह नंबरिंग लगाना चाहते हैं या इस तरह रोमन ए बी सी स्मॉल ए बी सी स्मॉल रोमन, तो नॉर्मली लोग ये नंबरिंग लगाते हैं. अगर आप इस नंबरिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह कॉलम को सेलेक्ट करें. सेलेक्ट के बाद दोबारा इस नंबरिंग पर क्लिक करें. एक दफ़ा नंबरिंग पर क्लिक करने से नंबर लग जाती है और दोबारा इस पर क्लिक करने से रिमूव हो जाती है. तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लगा सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़. दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे.